चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही खास तरीके से आम का अचार। ये अचार खास बच्चों की डिमांड पर मैं बना रही हूँ। जैसे बच्चों को रोटी पर जाम लगाकर खाना पसंद है, उसी तरह से इस अचार को भी बच्चे रोटी पर लगाकर खा सकते हैं। उन्हें ये अचार बहुत पसंद आएगा। आप इस अचार की रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए। तो चलिए फटाफट अचार बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। आज हम आपके साथ आम का नए तरीके का अचार बनाने की एकदम सिंपल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 400 ग्राम कच्ची कैरी ले ली है। इन्हें साफ पानी से धोकर पोंछ लिया है। अभी हम इन्हें छोटा छोटा काट लेंगे। हमें इनका डंठल वाला हिस्सा कट कर देना है और इन्हें छीलना बिल्कुल भी नहीं है। बिना छीले ही हम इसे काट लेंगे और गुठली को साइड में निकाल लेना है। देखिए, हमने इसे इस तरह से काट लिया है। आप चाहे तो इन्हें और भी छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। अभी हम इन्हें थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें। हमने इसे इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने यहाँ एक बाउल पर एक छलनी रख दी है। इसमें अभी हम ये आम का पल्प डालेंगे और इसे इसी तरह से 1 से 2 घंटों के लिए छोड़ देंगे, ताकि आम में जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाउल में निकल जाए और ये जो आम का पल्प है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। देखिए, बाउल में पानी इस तरह से जमा हो रहा है। इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए अभी अचार के लिए मसाले रोस्ट कर लेते हैं। मैंने एक नॉनस्टिक पैन गैस पर रख दिया है। आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 बड़े चम्मच सरसों की दाल डालेंगे। अगर सरसों की दाल आपके पास ना हो तो आप साबुत सरसों भी रोस्ट कर सकते हैं। 5 से 6 लौंग डालेंगे। इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अचार में हम जब भी मसाले डालते हैं तो उन्हें रोस्ट करके ठंडा करके ही हमें डालना होता है। अगर हम कच्चे मसाले अचार में डाल देंगे तो इससे अचार में मॉइस्चर रह सकता है और जिससे कि अचार ख़राब हो सकता है। इसीलिए मसालों को रोस्ट करके ही अचार में डालिए। 1 मिनट पूरा हो चुका है। मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनकी अच्छी खुशबू आने लगी है और कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इन सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने ये सेम पैन ले लिया है। इसमें 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे। अगर आपको सरसों का तेल पसंद ना हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमें तेल को 1 भाप आने तक ही गर्म करना है, इसे उबालना नहीं है। अचार में जब भी तेल डालें, गर्म करके ठंडा करके ही डालें, ताकि तेल में जो कच्चापन है वो निकल जाए और अगर इसमें कोई अशुद्धि हो तो वो भी निकल जाए। सरसों का तेल थोड़ा तीखा होता है। गर्म करने से इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए तेल को अच्छे से गर्म करके पूरी तरह से ठंडा करके ही हमें अचार में डालना होता है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए, तेल में अभी भाप निकलने लगी है। हमें तेल को इतना ही गर्म करना है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और तेल को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। चलिए, इन्हें अभी हम पीस लेंगे। सारे मसाले हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इन्हें एकदम फाइन पीसेंगे, क्योंकि आज हम जूसी अचार बनाने वाले हैं तो इसमें हमें फाइन करके ही मसाले डालना है। हमने ये मसाले अच्छे से पीस लिए हैं। देखिए, इसका हमने एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तेल अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसमें सारे मसाले डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे अचार तीखा नहीं होगा, लेकिन अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें 2 बड़े चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। आप सेंधा नमक की जगह सादा नमक भी डाल सकते हैं। इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। चीनी या गुड़ अचार में डालने से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे और अभी हमने जो पाउडर पीस कर रखा है वो पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमने इसे अच्छे से मिला दिया है। अचार के लिए मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसमें अभी हम आम का पल्प डालेंगे। आम का पल्प देखिए अभी थोड़ा ड्राई लग रहा है। इसमें से जो सारा एक्स्ट्रा पानी था वो बाउल में आ गया है। इस पानी को हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। इसे आप सब्जी में या फिर शरबत बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये पल्प मसाले में डाल देंगे।
और इसे अच्छे से मिला देंगे। बहुत अच्छे से ये अचार बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके बच्चों को थोड़ा मीठा अचार पसंद हो तो आप इसमें थोड़ी चीनी और बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को इंस्टेंट खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, उस समय बच्चे क्या करते हैं, रोटी पर जाम लगाकर खा लेते हैं। लेकिन अगर हम घर पर ही इस तरह से अचार बनाकर रख लेते हैं तो हमारे हाथों से बना हुआ अचार हम रोटी पर लगाकर बच्चों को दे सकते हैं। ये अचार बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसके साथ बच्चे फटाफट रोटी भी खा लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे सीधा कंटेनर में भर के भी रख सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी इसमें मसाले अच्छे से घुले नहीं हैं और तेल भी जो है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुका है। जैसे जैसे ये अचार घुलेगा वैसे वैसे तेल इसके ऊपर आएगा और इसका कलर भी बदल जाएगा। हम इसे 7 से 8 घंटों के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी ढककर रख सकते हैं। 7 से 8 घंटे पूरे हो चुके हैं और अचार का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अभी ये अचार अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप इसे खाना शुरू कर सकते हैं। आम का एकदम नए तरीके का अचार बनकर रेडी हो गए हैं, आप इसे अभी खाना शुरू कर सकते हैं। सुपर टेस्टी इंस्टेंट अचार बनकर तो तैयार हो गया है, अभी हम इसे स्टोर करने के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि अचार स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन कांच या सिरेमिक का कंटेनर सबसे अच्छा होता है। मैंने यहाँ ये कांच का कंटेनर ले लिया है, इसे अच्छे से धोकर पोंछकर 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया है। धूप में रखने से ये स्टेरिलाइज हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई कीटाणु नहीं रहते हैं। जब ये कंटेनर एकदम गर्म रहता है तब इसमें अचार नहीं डालना है, कंटेनर को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसमें अचार भरें। अगर आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म करके ठंडा करके मिला दीजिए, ताकि ये अचार ऑयल में डूबा रहे, इतना ऑयल इसमें डालिए। इससे हमारा अचार सालों साल अच्छा रहता है। अचार के कंटेनर के ऊपर जो भी मसाला लग जाता है उसे हमेशा क्लीन करते रहें। अचार निकालने के लिए हमेशा सूखे और साफ चम्मच का ही यूज़ करें। अचार के कंटेनर को हमेशा सूखी और साफ जगह पर ही रखें। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इनका आप पालन करेंगे तो आपके हाथ से बना हुआ चाहे कोई भी अचार हो कभी भी खराब नहीं होगा, सालों साल अच्छा रहेगा। अगर आप आम के अचार की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए आम के अचार की रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, यहाँ क्लिक करके आप इस अचार की रेसिपी को देख सकते हैं। आप इस अचार की रेसिपी को जरूर बनाकर देखिए और आपका अचार कैसे बना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस टेस्टी रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह से मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।